अपने विभाग के कर्मचारी का वेतन सहित अन्य भुगतान का निराकरण करने के नाम पर 45,000 रुपए की मोटी रकम मांगने वाला भ्रष्ट लेखापाल लोकायुक्त पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। झिन्या जनपद के स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ लेखापाल आनंद कनेल ने उप स्वास्थ्य केंद्र बड़ी में पदस्थ CHO के साथ 2 माह के रुके वेतन सहित अन्य भुगतान मामलों के निपटारे के लिए 56,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसके एवज में 45,000 रुपए लेते हुए लोकायुक्त के हत्थे चढ़ गया। आवेदक निकेश कनाड़े ने बताया कि वह उप स्वास्थ्य केंद्र बड़ी तहसील झिरनिया में बतौर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी CHO पदस्थ है। पत्नी का देहांत हो जाने से वह 2 माह अवकाश पर था, जिसके कारण उसके 2 माह के वेतन का भुगतान एवं अन्य देय स्वत्व की राशि BMO कार्यालय झिरनिया द्वारा रोक दिया गया था। रुके वेतन तथा अन्य भुगतान जो कि लगभग 1,33,000 रुपए है, उसे निकालने के एवज में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ लेखापाल आनंद करेल के द्वारा 56,000 रुपए की मांग की जा रही थी। मुझे रिश्वत नहीं देना थी, इसलिए लोकायुक्त को शिकायत कर दी। लोकायुक्त पुलिस ने बताया कि आवेदक को उक्त राशि शक्ति मशीनरी स्टोर में देने की सहमति बनी थी। यह राशि करेल के कहने पर प्राइवेट व्यक्ति शिवराज यादव को दी गई थी, जिसे जब्त की गई है। आरोपी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। आपकी टीम ने कार्रवाई करी है, तो क्या घटनाक्रम में आपने आवेदन दिया था? मैं निकेश कनाड़े CHO हूँ, उप स्वास्थ्य केंद्र बड़ी में पदस्थ हूँ। और उपायुक्त ने कार्रवाई की, जो आनंद कनेल है वो लेखापाल, उनके द्वारा मेरा वेतन रोका गया था 2 महीने का। तो 2 महीने का वेतन रोकने के बाद मेरा जो इंसेंटिव रहता है, डिले रहता है हमारा, वो भी कुल मिला के राशि 1,23,000 रुपये राशि होती है। तो उसके बाद में लेखापाल ने मुझे रिश्वत मांगी थी 56,000 की, जो आनंद करने लिए उनके द्वारा। तो मैं देना नहीं चाहता था, रिश्वत नहीं देना चाहता था। फिर मैंने लोकायुक्त में आवेदन दिया। लोकायुक्त में आवेदन देने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, हम कार्रवाई करेंगे, हम आपका साथ देंगे जो भी कार्रवाई होती है। फिर उनके द्वारा आज दिनांक को कार्रवाई की गई और मेरे से 45,000 रुपये केस लिए गए। क्या नाम आपका? मैं निकेश कनाड़े, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, उप स्वास्थ्य केंद्र बड़ी। ठीक, थैंक यू। टीम ने कार्रवाई करी है, तो सर क्या घटनाक्रम है? लोकायुक्त इंदौर की टीम की ट्रैप कार्रवाई है। ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र झिरनिया में है। यहाँ पदस्थ है लेखापाल आनंद कनेल। इनके द्वारा इन्हीं के जो CHO हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी आनंद कनाड़े, इनकी जो 2 महीने की वेतन रुकी हुई थी और कुछ इनको जो इंसेंटिव मिलते हैं वो, उसकी राशि लगभग 90,000 थी। ऐसा सब मिला के 1,36,000 के आसपास की, कुछ कुल 1,33,000 की कुछ आसपास की राशि थी, जिसको निकालने के एवज में इनसे 56,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही थी, जिसकी शिकायत इनके द्वारा पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त इंदौर महोदय के समक्ष की गई। शिकायत का सत्यापन कराया, जिसमें रिश्वत मांगा जाना पाया गया। उसी तारतम्य में आज ट्रैप दल का गठन किया गया था और अभी आनंद जो हैं लेखापाल आनंद कनेर, इनको 45,000 रुपये की रिश्वत राशि लेते हुए ट्रैप किया गया है। 5,000 रुपये बातचीत के द्वारा इनके द्वारा ले लिए गए थे। जो रिश्वत राशि थी इनके द्वारा एक यहाँ दुकान के संचालक हैं उनको देने को कही गई थी, तो उनका जो जिस बंदे से रिश्वत राशि बरामद हुई है उसको भी अभी उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। सर सोनाम, मैं DSP लोकायुक्त प्रवीण सिंह बघेल, और ये इनके विरुद्ध हम अभी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत कार्रवाई कर रहे हैं। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।